माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا حضرت گرامی قدر جس سائے کریمہ کو اس وقت کی اس مجلس کے لیے میں نے حدیث سماعت کیا ہے इसमें कुरान मुकद्दस ने पहले बैठे अथहार की उन तमाम तर फजीलतों में से एक फजीलत को बयान किया है और ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा कुरान मुकद्दस की आयत तथहीर के नाम से मंसूब है। आपकी इस तारागढ़ की और अजमेर शरीफ से शबे शहादत मासूम कौनैन में बरपा होने वाली हजरत अली और इस आलमी पैमाने में वमे सैयदान होने वाली शिरकत इस रात की गवाह बनकर हमारी अकायद मोहब्बत और खुलूस का ऐलान कर रही है और ये शब जिस कदर अहमियत के साथ इसको समाज में और माशरे में होना चाहिए था वो आज़ादारी का हिस्सा बनकर आज हमारे दरमियान में है। हम इमाम ज़माना से दुआ करते हैं उनके वसीले से अपने अल्लाह से कहते हैं कि मालिक अज़ाए सैयदा के नाम पर हम अपने घरों से निकल हमें उस अदादारी का हिस्सा बना ले जो जनाब फातिमा जहरा की तमन्नाए खास। अजीजों आज की इस मजलिस में चूँकि हमारे जहन दिल दिमाग पर ये बात छाई रहती है कि ये जनाब फातिमा से मंसूब पहिया और इस पूरी कायनात में इस वक्त जनाब सैयदा का जिक्र जिक्र शहादत बड़े अच्छे उनवान से गुजर
जिसे जनाब सैयदा ने खुद तमन्ना की थी अशआर के जरिए से, जो सुब्बत अलैहिया में सैना गया वाले मसाइब हैं और अशआर हैं, उन्होंने ये जिक्र किया था कि मेरा जिक्र करने वालों, मुझ पर आंसू बहाने वालों, क्या तुम मेरे ये मसाइब जमाने तक पहुँचाओ। तो शायद आज उस सदा की बाजगश्त जो हमें चारों तरफ से सुना है। अजीजों, मैं बहुत देर नहीं आपकी खिदमत आलिया में रहूँगा, लेकिन जितनी देर रहूँगा मैं इस मेंबर से ये कोशिश करता रहूँगा कि हम जितना हो सके आज अपनी बीवी की अजमत को सुना, इसलिए कि ये ख़ास दिन है और इस दिन की अजमत और इस दिन की वक़ात और इस दिन की इज्जत साल भर बाद वापस पलट के आएगी। ये एक अहम हकीकत होती है, जब अहले बैत के अय्याम आते हैं तो उसमें ये बात तय होती है कि अहले बैत के अय्याम में खुसूसी बात ये पाई जाती है कि उसमें जो जहन, जो दिल, जो दिमाग बनता है वो दूसरे अय्याम में नहीं। एक सलवात पढ़ते लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आप हजरात हम सब आज जनाब फातिमा ही से मंसूब रहें। इसके लिए मैंने आपकी आसानी और आपकी समाअत की आसानी के लिए एक बहुत मशहूर व मारूफ आयत को सरनामे कलाम करार दिया, जिसमें इरशाद होता है कि ऐ अहले बैते रिसालत, अल्लाह का इरादा ये है कि तुमको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जो पाक रखने का हक है। ये आयाए तथहीर के नाम से मंसूबे का है। मैं जब जब भी गौर करता हूँ और जब जब भी सोचता हूँ तो मुझे एक बहुत अजीब और गरीब बात सामने दिखाई देती है, और वो ये है कि जिस बंदे से भी पूछिए जो तकरीबन मकतबे तशय्यो से ताल्लुक रखता है, उससे पूछिए कि इस आयत का नाम क्या है, तो वो फौरन बताएगा कि इस आयत का नाम आयत तथहीर है। और बहुत सारी आयात के बारे में पूछिए तो शायद ना बता सके, लेकिन इस आयत को फौरन बताए कि इस आयत का नाम आयत तथहीर है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया है कि ये आयत आपको याद हो गई है और इस आयत का नाम भी आपको याद हो गया है। तो उसने कहा कि नहीं मौलाना, मैं कुरान को पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता, लेकिन इस आयत को मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैंने कहा इस आयत को तू रोज़ क्यों पढ़ता है? कहा इस आयत को मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ये आयत हदीसी के सामने वाली थी। अब जो मैं जुमला कहूँगा अगर उसका जवाब नहीं आया तो मौजू बदल के खैबर पर पहुँच जाए और खैबर से खंदक पर पहुँच जाए। लिहाजा आप खैबर और खंदक तक नहीं पहुंचाना चाहते तो आज की शब का अगर मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस जुमले में उठाइए। उसने कहा कि यह हदीस किसा में वाली थी, तो मैंने कहा इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हदीस किसा आयए तथहीर का मासूम शान नजूल है। मासूम शान नजूल है आयए तथहीर, जिसे रिवायत किया है जनाब फातिमा ने। रुविया अन फातिमा ज़हरा अन्नहा कालत दखला अलैया अभी रसूलल्लाह, रिवायत की गई है जनाब फातिमा से कि एक दिन दिनों में से मेरे बाप अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। ये रिवायत है, मजलिस यहीं से शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये समझ में नहीं आता कि इतनी सारी रिवायतें हैं जिनकी कोई शोहरत नहीं, इतनी रिवायतें कि मैं आपको बताऊं कि सही बुखारी ने 15,000 रिवायतों का जिक्र किया। कितने लोग हैं जो उठ के ये कहेंगे कि साहब इतनी रिवायतें, किसी किताब में 8,000 रिवायतें बयान, कोई है जो ये कह सके कि साहब मुझे 200 रिवायतें आते हैं, मुझे 5 रिवायतें आते हैं?
मगर एक वो रिवायत जिसे रावियों ने छुपाया। एक वो रिवायत जिसे किताबों ने छुपाया, एक वो रिवायत जिसे अकाइद ने छुपाया, इसे एक वो रिवायत जिसे अदावत ने छुपाया। उसे इतनी शोहरत कहां से मिली कि बच्चे बच्चे की जेब में है, बच्चे बच्चे की जेब में है, अकीदों के हालात में है, जमाहिर के एहसास में है, छोटे छोटे किताबचों की शक्ल में हदीसे के साथ बांटी जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने इस रिवायत को इतनी शोहरत दे दी। आखिर रिवायत ही तो है, बहुत सी किताबों ने तो ये भी नहीं चाहा कि इसे बयान करें। जहां बहुत सी किताबों ने ये नहीं चाहा कि इसे बयान करें, वहां ये कैसे मुमकिन था कि इसे इतनी शोहरत मिली है। कोई तो है जिसे इतनी शोहरत मिल गई है। तो शायद मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, जहां छुपाया जा रहा था वो, और जहां ये जाहिर हो गई वो इतनी मशहूर हुई कि औरतों ने पढ़ी, मर्दों ने पढ़ी, खुशी में पढ़ी गई, गम में पढ़ी गई। भाई निकाह होने जा रहा था, फौरन शोर उठा कि निकाह होने जा रहा, करो रुको 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 अभी हदीसे किसा पढ़ी जाएगी, रुको 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 अभी हदीसे किसा पढ़ी जाएगी। मेरी तो समझ ही में नहीं आया, मैंने तो यही देखा है कि गम की चीजें खुशी में नहीं चलती, खुशी की चीजें गम में नहीं चलती, मगर ये हदीसे किसा कैसी है, यहाँ भी चल रही है वहां भी चल रही है। भाई ये बात है सोचने के काबिल ही नहीं, ये हदीसे किसा में क्या है कि ये खुशी में भी चल रही है, गम में भी चल रही है। आवाज आई, ये खुशी में खुशियों के बढ़ने का सबब है और गम में गम के खत्म होने का जरिया है। एक हदीसे किसा है जिसे बच्चा इम्तहान देने से पढ़वा, पहले पढ़वाए कि मैं कामयाब हो जाऊं, इम्तहान देने के बाद पढ़वाए कि शुक्रिया कि मैं कामयाब हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं, जवान पढ़ रहे हैं, बूढ़े पढ़ रहे हैं, तो आखिर ये क्या हो गया है, इसे कितनी शोहरत मिल गई। मैं जवाब सुनाकर उतर जाऊं तो मजलिस अपने मंजिल को छू जाएगी। मुतवज्जे रहिएगा, मैंने लोगों को पकड़ा, किताब लिखने वालों को पकड़ा, क्या वजह है कि एक रिवायत जिसे छुपाया गया वो इतनी मशहूर हो गई, और वो रिवायतें जिसमें 400-400 रावी, 800-800 रावी खड़े थे, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये रिवायत याद ही नहीं है। अमा 300 रावियों की रिवायत याद नहीं है, और जिसे सिर्फ फातिमा ने बयान किया है वो जमाने को याद है, वो हर एक को याद है। क्यों याद है? मैं लफ्ज का जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मुझे लोगों ने जवाब दिया, मौलाना जहां 300 रावी लिखे थे वहां ये सोचा जा रहा था कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं। वहां ये सोचा जा रहा था कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं, लेकिन जब जनाबे फातिमा का नाम आया तो जमाने को एतबार आ गया कि ये भी सच्ची है, इसका परिवार भी सच्चा है, ये भी सच्ची है और इसका परिवार भी सच्चा है। ये जमाने को यकीन आ गया। जब जमाने को यकीन आया तब पता चला कि ये रिवायत इसलिए मशहूर हो गई, ये इसलिए मशहूर हो गई कि साहब जनाबे फातिमा की सिदाकत पर एतमाद था। मैं सिदाकत पर बाद में आऊंगा, पहले दो एक बातें कह दूं। लोगों ने कहा कि साहब ऐसा क्या है हदीसे के सामने कि ये गम का इलाज भी है, हल्लाले मुश्किलात भी है, हाजत रवा भी है, ये बीमारियों का इलाज भी है, लोग इसे दुआओं के तरीके से पढ़ रहे हैं, वजीफे के तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई जमाने को भरोसा है इन पे, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। लेकिन एक लफ्ज तो मैं भी अपने मजमे से कह दूं, एक दिन ये अल्फाज जनाबे फातिमा की जबान से गुजरे थे, जमाने के लिए हल्लाले मुश्किलात बन गए। अगर तुमने मजलिसे सुनने का हुनर अपने अंदर पैदा कर लिया है तो मैं हदीसे किसा का दूसरा नाम बताने जा रहा हूं
याद रह जाएगा इस मजमे को ये नाम जो मैं बताने जा रहा हूं। हदीसे किसा किसे कहते हैं, एक लफ्ज में सुनिए और बात को तमाम कीजिए। पांच मुश्किल कुशा अफराद ने एक चादर में मीटिंग करके एक चादर में बैठकर एक मीटिंग करके जो नुस्खे हाजत लिखा है उसे हदीसे किसा कहते हैं। उसे हदीसे किसा कहते हैं क्यों? पांच, मैंने पांच मुश्किल कुशा क्यों कहा? मैं ये भी कह सकता था पांच मासूम, पांच रहबर, पांच हादी, पांच काई, पांच आलिम, पांच फाजी, पांच कामिल। मैंने मुश्किल कुशा ही कहा इसलिए कि हदीसे किसा को जन्म ही दिया गया था मुश्किलें हल करने के लिए। मासुकेरा खबरों ना हाजाफी महफिल में महाफिल एलिल अर्ज वफी है जब वो मिन शियतना वो ही बीना इल्ला वा नजरत अलैहिमुर रहमा वा हफ्फत बिहिमुल मलाइका। सुनो, जब जब हमारी ये खबर अहले महफिल में बयान की जाएगी जहां हमारे शिया होंगे और हमारे मुहिब होंगे, कभी कभी मजलिस सुनने का मजा ले लिया करो। ए दीदी, ये शिया और मुहिब को अलग अलग क्यों कर रही हो? जो शिया है वो मोहब्बत करता है और जो मोहब्बत करता है वो तो शिया है। ता इसीलिए तो कह रही हूं, अगर शिया है तो मोहब्बत करना सीख ले और अगर मोहब्बत है तो शिया होना सीख ले। इसीलिए कह रही हूं मेरे शिया जमा होंगे, मेरे मुहिब जमा होंगे। इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा, जब जब इस हदीस का जिक्र किया जाएगा रहमत नाजिल होने लगेगी। बात खत्म हो गई आका? जो हदीस रहमत को ऊपर से नीचे बुला सकती है वो दुआ को नीचे से ऊपर क्यों नहीं ले जा सकती? वहफ्फत बिहिमुल मलाइका, जब तक ये होती रहेगा जिक्र मलाइका उसे घेरे रहेंगे। मैं तो जुमला कह के मिंबर छोड़ दूं, तुम अपने आप में याद रखना, पार्टियां करके दोस्तों को बुलाना और है हदीस पढ़ के फरिश्तों को बुलाना। पार्टियां करके इस दोस्त को बुला लो, उस दोस्त को बुला लो, लेकिन हदीसे किसा करके फरिश्तों को बुला लो। हाँ, बहुत से लोग ये कहते जरूर हैं कि आते हुए फरिश्ते कहां देखे। अमा मैंने कहा कभी कभी फरिश्ते तो नहीं दिखते मगर फरिश्ते खूब देखते हैं कौन कौन आता है। ये आते हुए फरिश्ते कभी कभी नहीं दिखते। वहफत बेहिमुल मलाइका वस्तग़फिरत, और वो उस वक्त तक मग़फिरत करते रहते हैं इला अन यतफर्रकू, जब तक ये लोग यहां से अलग नहीं हो जाते। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई जो हदीसे के साथ, मुझे इससे बहस नहीं आ रहा, ये तीन चीजें हो गई। मैं आज फजाइल की उन हदों को छू जाऊंगा कि जिसमें वाकयन आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि ये जनाबे फातिमा का कमाल था कि ये अल्फाज जबान मुबारक पर आए और बीबी ने इन अल्फाज को वो जलालत दे दी कि जमाने के लिए ये अल्फाज ही हल्लाले मुश्किलात बन गए। आपने सुन लिया, बहुत ही बड़ी बात कहकर आपकी खिदमत आलिया में हदीस किसा की इब्तदा ही में कह दूं ताकि इंतहा तक मेरा सब्र बेचैन मुझे न करे।
बीबी ने आगाज किया रुबैया अन फातिमा ज़हरा अन्नहा कालत दखला अलैया अभी रसूल अल्लाह, एक दिन मेरे बाबा अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। क्या कहा? अब सुनो कभी हदीस को। क्या कहा? मेरे बाप अल्लाह के रसूल, मेरे बाप अल्लाह के रसूल। रिश्ता पहले बयान किया, मानसब बाद में बयान किया। खूब मजा लेना, मैं जान लगा कर पढ़ूंगा। मेरे बाप अल्लाह के रसूल। मैंने कहा बीबी आप ये कहती रहमतुल्लिल आलमीन आए, यासीनो तहा आए, मुजम्मिल आए, मुदस्सिर आए, कुछ भी कह देती, जाने आलम आए, रूहे मुजस्सम आए, नूरे मुजस्सम आए, कामिल आलिम, सब कुछ भी कह सकती कि खत्मुल अंबिया आए। ये क्या हुआ कि मेरे बाप अल्लाह के रसूल का आज ही तो कमर सुल्तान, मौका है कयामत तक के जवाब देने का। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कल को तारीखें कहेंगी रसूल इस बेटी के भी बाप थे। किसी तारीख में, किसी वाकये में, कहीं टूट कर, फूट कर, खुशी में, गम में, कभी किसी भी बेटी ने यह कहा हो कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है, और मैं चादर में आने से पहले कह रही हूं कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। मैंने कहा बीबी बात घर की है, कहीं घर में ना रह जाए। अगर जुमला कहकर मिंबर छोड़ दू हक अदा हो जाएगा, मुतवज्जे रहिएगा। बीबी बात घर की है, कहीं घर में ना रह जाए। बीबी ने दो जगह कहा मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। जब खुतबे फिदक देने गए, सुनना सुनना सुनना, जब खुतबे फिदक देने गए तो खुतबे फिदक में कहा कि मेरे सिवाय तुम में से कोई है जो ये कह सके कि उसका बाप अल्लाह का रसूल है? सिवा का सिवा अभी कोई तुम में से है जो ये कह सके कि उसका बाप अल्लाह का रसूल है? भरे दरबार में बीबी ने कहा और किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अलावा फला के भी बाप अल्लाह के रसूल हैं। उस वक्त दरबार का न कहना बताता है कि उस वक्त तक किसी को पता ही नहीं था कि किसी और बेटी के भी बाप अल्लाह के रसूल है। इसका मतलब यह है कि तारीख में दो अलग से बेटियां पैदा की गई ताकि फातिमा के तनहा बेटी होने का शरफ खत्म हो जाए। इसलिए कुछ बेटियों को लाया गया और बाद में उसे तारीख में थोप दिया गया और बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि जहां यह सोचा जाए कि शरफ, अगर बेटी होना जनाबे रसूल अल्लाह की बेटी होना शरफ है जनाबे फातिमा, तो ये तो फला का भी शरफ है, फला का भी शरफ है। जनाबे फातिमा ने कहा कम से कम शरफ की दुनिया में कहीं तो मेरे साथ दिखला दो। अरे आप जा रहे हैं कहीं तो मेरे साथ दिखला दो। चादर में हूं, चादर में साथ नहीं है, मैदान मुबाहला में हूं, वहां साथ नहीं है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, चादर में थी तब अकेली थी, मैदान मुबाहला में थी तब अकेली थी। ये क्या वजह है कि मैं तहारत में भी अकेली हूं, सिदाकत में भी अकेली। कहीं तो लाओ, कहीं तो लाओ। मुबाहले में लाते, रिवायत में लाते, दरायत में लाते, वाकये में लाते, किसी एक जगह तो लेकर आते।
मैं तो घर में भी गई, मैदान में भी गई, कहीं कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है। बस अगर नजर आता है तो रिवायत में नजर आता है, तारीख में लिखा है फला बेटी अल्लाह के रसूल की। सवाल ये पैदा होता है कि जनाबे फातिमा के अलावा क्या बेहतरीन जुमला कहा है एक आलिम दीन ने। कहा भाई हमने ये तो सुना है कि बेटियां हैं, मगर क्या उनके औलादे न थी? क्या वजह है कि एक ही बेटी के बेटे बयान हो रहे, एक ही बेटी के बेटे जवानाने जन्नत के सरदार क्यों, एक ही बेटी के बेटे कांधों पे क्यों, एक ही बेटी के बेटे पुश्ते रिसालत पे क्यों, एक ही बेटी के बेटे मुबाहले में क्यों, एक ही बेटी के बेटे मस्जिद में क्यों, एक ही बेटी के बेटे मिंबर पे क्यों, एक ही बेटी के बेटे हदीस में क्यों? चलो अब नहीं आते तो आगे तो आ जाते, एक ही बेटी के बेटे करबला में क्यों? ये सवाल तो उठेंगे ना, ये सवाल तो उठेंगे कि अगर मोहब्बत के मैदान में कहीं दिखाई नहीं दिए थे तो शजाअत के मैदान में दिखाई दिए थे। एक ही बेटी के बेटे क्यों? अब क्या अच्छा जुमला लिखा है अल्लामा मैलानी ने, क्या अच्छा जुमला लिखा है का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चलो बेटी तो छोड़ो, कहीं कहीं किसी जंग में कोई एक दामाद तो उतर। शादियां हो गई थी तो जंग होने से पहले बिस्तर पर सोने के लिए भी एक ही मिला था। आप जवाब दे, सोने के लिए मिला एक, मैदान में लड़ने के लिए मिला एक, न यहां कोई दूसरा दिखाई दिया ना वहां कोई दूसरा दिखाई दिया, ये एक ही क्यों सब जगह दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है अगर तुम ये कहने लगो कि कागज के बनाए हुए जहाज भी आसमान में दिखाई देने लगे, बनाया जहाज बच्चे के हाथ में तो होगा मगर हकीकत के आसमान में नहीं होगा। इसलिए कि अगर उसे उड़ा भी दिया थोड़ी बहुत दूर चल के गिर जाएगा, न उसमें पेट्रोल होगा, न मटेरियल होगा, न मशीन होगी, न इंजन होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि न बेटी कोई दूसरी दिखाई थी, न नवासे कहीं दूसरे दिखाई थी, और न ही दामाद कहीं दिखाई थी। तो जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो अब जनाबे फातिमा खड़ी हुई कह रही थी रोय अन फातिमत ज़हरा अन्हा कालत दखल अलैय अबी रसूल अल्लाह, मेरे बाप अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। मैंने कहा ठीक है भाई दाखिल हो गए। अरे कहा मौलाना साहब इस ये आयत जो है बहुत सारों की शान में है। मैंने कहा यार मैं मजलिस में कहा वो 200 किताबें मोटी मोटी सुनाता फिरूंगा कि किस किस की शान है, मुझे तो पता नहीं किस किस की शान है, मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ किसकी शान में है किसकी शान में नहीं। जरा थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे हो जाएंगे तो मैं मसले को हल कर दूंगा। ये किसकी शान में है साहब आयत, किसकी शान में नहीं है? यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे होते हैं तारागढ़ के मजमे में, अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए वो अफराद भी होते हैं जिनके सामने तारीफ होती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि रसूल अल्लाह आए
और आने के बाद में रसूल अल्लाह चादर में, आयत को आना था कि नहीं? हाँ, आयत तो रसूल पे ही आती है, जैसे ही आ गए थे वैसे ही आ जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आ गए थे आयत आ जाती, मगर अभी नहीं आई। चलो ठीक है भाई, नहीं आई थी। हसन आ गए, हुसैन आ गए, अली आ गए, अब तो इस वक्त के सारे मासूम मर्द आ गए। जिब्रील क्यों नहीं आ रहा? अब आ जाना चाहिए जिब्रील को, मगर जिब्रील रुका हुआ, आने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहा? कब पहले वो तो आए जिसकी शान में आया था। पहले वो तो आए जिसकी शान में आया था। मैंने कहा क्या मतलब? कब पहले फातिमा आएगी? चुनाचे फातिमा आई, तब आयत आई। अब कहते रहो तुम इसकी शान में आई, उसकी शान में आई, जब तक फातिमा नहीं आई। अब मैं चादर में नहीं आई, आयत चादर में नहीं आई, और वहां भी एक मसला बन गया था कि रसूल अल्लाह ने चारों तरफ से चादर को लपेटा और लपेट के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासती रहमती, यही मेरे अहले बैत और यही खास है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आम और है खास। खासती क्यों कह रहे हो? कहा मौलाना खासती का मतलब क्या? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता खासती का मतलब क्या, रसूल अल्लाह से पूछो। चुनाचे रसूल अल्लाह के उस घर में रिश्तेदार थे दो, अगर बेदार हो गए तो मजलिस हो जाएगी। रिश्तेदार दो तरीके के थे, कुछ वो थे जिन्हें वहां से लाए थे, कुछ वो थे जो यहां से मिले थे। ये मजलिस थी, पता नहीं कहां चली गई। कुछ वो थे जिन्हें वहां से लाए थे, कुछ वो थे जिन्हें यहां से मिले थे। जिन्हें वहां से लाए थे उनको जमा किया और जमा करके कहा अल्लाह मैं नहीं बताऊंगा ये कौन है, तुझे बताना पड़ेगा ये कौन है। तो दायरा चला गया, हम फातिमा तो अबू हा व बालू हा व बनू हा, इसमें फातिमा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बाप है, फातिमा के बच्चे। ये बात किसने बताई? अल्लाह ने। पूछी किसने? जिब्रील से। जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह ये हो क्या रहा है? कहा यही तो बताया जा रहा है, जिन रिश्तेदारों को वहां से लाया था वो और है, जिन रिश्तेदार जो रिश्तेदार यहां से मिले। बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो बता दिया कि वहां के रिश्तेदार कौन से हैं, जरा तुम भी तो बताओ, तुम भी तो बताओ वहां के कौन से हैं, यहाँ के कौन से हैं। तो जनाबे उम्मे सलमा ने पूछा मैं आ जाऊं क्या? एक जुमला जो मजलिस को मजलिस बना देगा, गूंजते रह जाना उसके बाद में। जनाबे रसूल अल्लाह से जनाबे उम्मे सलमा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह क्या इजाजत है कि मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? कांते अलग खैर, तुम खैर पर हो मगर चादर के नीचे नहीं आ सकती, चादर के अंदर नहीं आ सकती। क्यों रसूल अल्लाह? का कयामत तक ये बात रहनी चाहिए, बाहर वाला कौन है अंदर वाला। कयामत तक ये बात रहनी चाहिए कि बाहर वाला कौन सा है अंदर वाला कौन सा। इसलिए मैंने पांच को खास किया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि कोई ना आया हो, आया तो इन पांच के बाद भी है, इन पांच के बाद भी एक आया है। तू नहीं जानते वो आने के काबिल था, इसलिए कि फातिमा जहरा की ये चादर सरदारों की बस्ती है। बेदार नहीं है, सरदारों की बस्ती है। इसमें नबी नबियों का सरदार है, अली वलियों का सरदार है, हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार है, फातिमा निसाई आलमीन के सरदार है, जिब्रील इसलिए आया कि मलाइका जिब्रील
इसलिए आ गया कि मलाइका का सरदार है। फातिमा गुलामों की बस्ती का नाम नहीं है, सैयदों की बस्ती का नाम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा कि भाई ये एक अजीबो गरीब बात है कि यहां एक बहुत अच्छी बात है जो रह जा रही है और मैं नहीं चाहता कि वो रहे, और अगर वो आ गई तो मजलिस ही खत्म है, क्या बात है। फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाए। क्या कह रहा है? मैंने कहा बीबी चादर, और चादर में ये कमाल, सब जाती नहीं पढ़ते, मैं भी पढ़ी। एक अजीबो गरीब आवाज आई, या रब्बे वमन तहतल किस, ये परवरदिगार चादर के नीचे कौन है। मैंने कहा कयामत तक के खतीबों को मवाद दे दिया तुमने, ये पूछ के कि चादर के नीचे कौन है। मैंने कहा बीबी ये सवाल ही क्यों हुआ? कहा तू जानता ही नहीं है, ये सवाल हुआ ही इसलिए है कि फातिमा नाम है आलमे इंसानियत को एहसासे कमतरी से निकालने का। तारागढ़ से जवाब नहीं आ रहा है, ये तारागढ़ का जवाब नहीं, आलमे इंसानियत को पस्ती से निकालने का नाम फातिमा है। अब तक की इंसानियत ये पूछ रही थी ऊपर क्या है, सूरज में क्या है, ये ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है। फातिमा ने कहा मुझे आने दे, अब तक तो पूछ रहा है ऊपर क्या है, अब फरिश्ते पूछेंगे नीचे क्या है। तहतल के साथ परवरदिगार चादर के नीचे कौन है। मैंने कहा यार अब तक तो हम यही समझ रहे थे और पूछ रहे थे ऊपर क्या है, ये तूने क्या कर दिया कि तू नीचे पूछ के कह रहा है कि नीचे क्या है, का तू जानता ही नहीं है। आज जो हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा अब तक ऊपर से नूर नीचे जाता था, आज नीचे से ऊपर आ रहा है। मैंने कहा फिर भी जब जाकिरीन पढ़ेंगे तो तुझ पे इल्जाम लगाएंगे कि तू इन्हें पहचानता नहीं है। अरे जिनके घर रोज आना जाना है उनको नहीं पहचानता। का बात ये नहीं है कि मैं उनको नहीं पहचानता, पहचानता तो हूं। तो फिर मैंने कहा पूछा क्यों? कहो मैं तो बहुत दिन से चक्कर में था, आदम के जमाने में अल्लाह ने हमसे पूछा था ये पांच कौन है, आज मैंने पूछ लिया। ये पांच कौन है? ओहो, हमने कहा कि भाई ये पूछना कि ये पांच कौन है तेरा काम हो गया जिब्री? कहा बिल्कुल हो गया। मैंने जब इन पांच को पूछा तो मैं ये समझ रहा था कि तारुफ मोहम्मद के जरिए होगा, मगर अल्लाह ने तारुफ फातिमा के जरिए कराया, ताकि दुनिया का कोई मुसलमान ये ना सोच बैठे कि तारुफ मोहम्मद के जरिए है, इलाही तारुफ फातिमा के जरिए। आवाज कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि यार मैं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ, और मगर जहां भी जा रहा हूँ तो जनाबे फातिमा के लिए, जनाबे फातिमा से बाहर तो नहीं। ये और बात है कि छान छान कर चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी वो सारी चीजें तुम तक पहुँचा दूँ, कि आज के दिन से ज्यादा तुम भी नहीं सुनोगे जनाबे फातिमा को। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूँ, संभाल लीजिएगा, अगर आज तारागढ़ से उसका जवाब आया तो मौलवी मजलिस पढ़ना सीख जाए। क्या बात है, मौलवी मजलिस पढ़ते ही इसलिए कि उन्हें ख्याल आता है कि यार पता नहीं मजमा उसे समझ भी पाएगा या नहीं। इसमें किबला बहुत अच्छी बात है, हुजूर आपको आगे आना चाहिए मौलाना नकी साहब। जनाबे फातिमा जहरा का तारुफ मैं क्या कराऊंगा और मेरी औकात क्या। मैं दो बातें यहां से बयान करूंगा और उसके बाद मसाइल पढ़ूंगा।
इसलिए कि आपको ताबूत भी उठाना है, लेकिन पहली बात में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम उसका साथ देना। एक लफ्ज है वो जो मैं कहना चाह रहा हूं, और वो इसलिए कि मैं वो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं जिसको मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मैं बार बार आम बात की तरफ चला जाता हूं, खास बात रह जाती है। अब तक जनाब फातिमा के फजाई जो बयान हुए हैं वो अक्ल के मुताबिक हुए हैं, फातिमा के फजल के मुताबिक हुए हैं। याद रखना इतना उसको, जितना हम जानते हैं उतना बता रहे, जितनी वो है इतना कोई नहीं बता पा रहा। जितना वो है इतनी कोई नहीं बता पा रहा। दलील सुनिए, और मैंने किबला को आगे बुलाया इसलिए कि आज जब मैं दलील दूं तो ये मेरा साथ दे। और चूंकि दलील ही ऐसी है, कम होना ना, ये कैसे कह रहा हूं, रसूल अल्लाह भी जानते थे कि अकले एकदम फजाइले फातिमा को हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए रसूल अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता हदीसों का कद बढ़ाया। अब तुम दाद देना या मत देना, सुनते रहना। आहिस्ता आहिस्ता हदीसों का कद बढ़ाया, सुनिए। अल फातिमतु सय्यदतुन निसाए अहलिल अर्ज, फातिमा इस जमीन की औरतों की सरदार है। इसका मतलब यह कि आसमान में जो औरतें हैं वो अलग हैं, मगर जाहिर सी बात है जो घर में सरदार ना थी उनको ये जुमला कितना भारी पड़ेगा कि भाई फातिमा और जमीन की औरतों में सरदार, उनके लिए तो इतना ही काफी था। लिहाजा हदीस ने उतनी ताकत इस्तेमाल की जो अकल के मुताबिक हो सके। फातिमा के फजल के मुताबिक नहीं थी, लेकिन अकल के मुताबिक तो थी। लिहाजा कुछ ही सही जो घर की सरदार नहीं है वो जब ये सोचेगी कि जमीन की सरदार तो फौरन झुक जाएगी। का इतने ही समझ ले, बाद में और समझा देंगे। फिर हदीस का कद आगे बढ़ा, अल फातिमा तो सैयदतुन निसाए अहले हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत की औरतों की सरदार है। जो औरत खानदान की सरदार नहीं थी, जब उसने सुना है एक ऐसी भी है जो उम्मत की सरदार है, तो उसको जरा समझ में आया कि वाकई यानी इस बीबी से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। और जब इस बूबी से ऊंचा कोई नहीं हो सकता, तो अब हदीस ने आहिस्ता से पूरी दुनिया को छू लिया। अल फातिमा तो सैयदतुन निसाई आलमीन, फातिमा अनगिनत दुनियाओं की सरदार है। देखिए पहले कहा जमीन की सरदार, फिर कहा जन्नत की औरतों की सरदार, फिर कहा उम्मत की औरतों में सरदार, फिर कहा अनगिनत दुनियाओं की औरतों में सरदार। समझ में आ गया? अब जो मैं बहस करूंगा वो है बहस असली। आलमीन का लफ्ज भी अकल को समझाने के लिए है, सियादत फातिमा को समझाने के लिए नहीं है। देखिए मैं कह चुका हूं कि अगर जवाब नहीं आया तो मुल्ला परेशान हो जाएगा, और मुल्ला परेशान हुआ तो मसला खराब। आलमीन का लफ्ज अकल को समझाने के लिए है, फातिमा की सियादत को कामिल नहीं करता। आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा दावा कर रहे हो, दावा तो कर दिया, अगर दावा कर दिया तो संभालूंगा नहीं मैं। क्या मुझे ये बताओ कि तुम जो तर्जुमा करते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब आलमीन का रब है, तमाम तारीफें उसके लिए हैं जो आलमीन का रब है, तो क्या मतलब जब तक आलमीन है उसी वक्त तक रब है? अरे नहीं पहुंच रही है बात, जब तक आलमीन है जबी तक रब है, नहीं ये तर्जुमा ही नहीं कर सकते तुम। वो आलमीन से पहले भी रब है, वो आलमीन के बाद भी रब है। इसका मतलब आलमीन का लफ्ज अकल को समझाने आया है, रब की हद बताने नहीं आया है। रब की हद नहीं बता रहा। तो मौलाना क्या कहना चाह रहे हो आप? अब तक तो तर्जुमा यही करते चले आए थे कि तमाम आलमीन का रब, इसलिए करते थे कि तुम्हारी अकल तो एक ही आलम में फंसी है, तुम हजार आलम को क्या जानो। याद अल्लाह ने
मैंने सीधा सीधा लफ्ज रख दिया कि अकल यार जहां तक फैल सकती हो, जहां तक सोच सकती हो, वहीं तक सोच के चुप हो जाना। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि रब हद, रब महदूद है आलमीन में। तो जब रब महदूद नहीं है आलमीन में, तो मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है और फातिमा सैयदतुन्निसाइल आलमीन है। अगर तुम्हें सैयदा समझनी हो तो मोहम्मद को देखना, और अगर रब समझ में ना आए तो मोहम्मद को देखना। जहां तक रुबूबियत है वहीं तक रहमत है, जहां तक रहमत है वहीं तक फातिमा की सियादत है। मैं तो समझ ही रहा था कि खामोशी हो जाएगी, खामोशी तो होनी थी, इसलिए कि बात इल्मी हो रही। अरे कहा मौलाना तो फिर क्या होगा, मैंने कहा मैं बताता हूं। अल्लाह अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के चुप हो जाता तो शायद दुनिया यही लिखती कि बस यही तर्जुमा है रब का, कि आलमीन का रब है। उसने फौरन कहा सुनो मालिके यौमिद्दीन, जब ये आलमीन नहीं रह जाएगा उसी दिन रब मालिके यौमिद्दीन बन जाएगा। आलमीन कब मिटेगा, जब कयामत आएगी। यौमिद्दीन किसे कहते हैं, कयामत के दिन को। का जैसे ही आलमीन हटेगा मालिक यौमिद्दीन सामने, वही रब जो कल तक रब्बुल आलमीन था आज मालिक यौमिद्दीन है। इसी तरह रहमतुल्लिल आलमीन है, जब तक आलमीन है मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है। जिस दिन ये आलमीन मिट जाएगा उसी दिन ये शबील मुस्लिमीन बन जाएगा, उसी दिन ये शफील मुस्लिमीन बन जाएगा। कल गुनहगारों के लिए रहमत था, आज गुनहगारों के लिए शिफात है। इसका मतलब ये है कि आलमीन छोटा है रहमत बड़ी है, आलमीन छोटा है रुबूबियत बड़ी है। अब मैं कह रहा हूं आलमीन छोटा है सियादत बड़ी है। खुदा की कसम, आलमीन छोटा है सियादत बड़ी है। ये बात समझ में आ गई पूरी की पूरी। तो इसका मतलब यह है कि अब जनाबे फातिमा जब आलमीन नहीं रहेगा तो क्या होगी, का खातून महशर बन जाएगी। खातून महशर बन जाएगी, डरना नहीं। यहां चादर में पंजतन को लिए है, महशर में पूरी उम्मत को लिए है। डरना नहीं, इसे फातिमा कहते हैं, इसे फातिमा कहते हैं। फातिमा, तुमने जनाबे फातिमा का तर्जुमा गलत किया है, इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। आज ये इतना बड़ा मजमा जनाबे फातिमा के नाम पर बैठा है, दुनिया लरज रही है क्या होगा। अभी तो अय्यामे फातिमिया का आगाज हुआ है, अंजाम होने दो। अभी अंजाम होने दे, न जाने किस किस के अंजाम बिगड़ेंगे। खौफ क्या है, दहशत क्या है, अगर फिर से काले कपड़े आ गए तो टेंशन क्या है, अगर फिर से मातम होने लगा तो प्रॉब्लम क्या है। मगर सुनो, अभी तो उसके अय्याम आए हैं, अभी उसका इमाम भी आया है। उसका इमाम भी आने वाला है, अभी उसके अय्याम आए, अभी से घबरा रहे, अभी से परेशान है। खुदा की कसम जो सच्चा है वही जनाबे फातिमा तक पहुंचेगा। मैं कल बयान करूंगा सिद्दीका होना जनाबे फातिमा का, और सिदाकत जनाबे फातिमा की मैं कल बयान करूंगा। आज मुझसे इतना सुनिए कि जनाबे फातिमा किसे कहते हैं। चादर में रसूल आए, सबसे पहला इंसान कौन, रसूल। का बेटी मुझे चादर दे दे, रसूल अल्लाह किसी हकीम के पास जाओ, अगर जोफे बदन है तो फातिमा के पास क्यों आ रहे हो। का उम्मत को कयामत तक सबक दे रहा हूं, जब भी तुम में जोफ आए फातिमा के पास आना। जब भी तुम में जोफ
पाए, फातिमा के पास आना। और ये भी याद रखना, जो फातिमा से दूर है उसी में जोफ है। सुनना चाहे तो सुना, जो फातिमा से दूर है उसी में जोफ है। बीबी मुझे जोफे बद, अरे कहा मुल्ला लोग पता ना क्या करते, मजलिसे पढ़ते हैं कि टेंशन देते। सोचो तो सही, हकीम इलाज करते हैं कि बेटियां इलाज करती, और वो भी चादर से इलाज कर दिया। मैंने कहा यार क्या कह रहा है, चादर से इलाज ना हो सकता क्या? बोले यार वो तुम हदीसे के सामने पढ़े जाओ, आज तक तो किसी ने चादर से इलाज किया ना। मैंने कहा अगर मैं जवाब कुरान से दे दूं तो? तो कुरान से कैसे दे दोगे आप जवाब? जवाब सुनिए और पूरा लुत्फ उठाइए अजाए फातिमिया का। जनाबे याकूब ने अपने भाइयों से, जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों से पूछा बाबा का क्या हाल है? कब रोते रोते आंखें सफेद हो गई हैं, कब मेरा कुर्ता ले जाओ चेहरे पर डालना सही हो जाएगा। मेरा कुर्ता ले जाओ चेहरे पर डाल दो सही हो जाएंगे। यहाँ रसूलुल्लाह ने आम के कहा बेटा जोफे बदन है, फातिमा ने चादर डाल दी, चेहरा चौधरी के ताम की तरह चमकने लगा। यही तो कहा तारनाउल बद्रो फी लेलत है तमामे ही वकमाले। मैंने जैसे ही चादर डाली रसूल का चेहरा ऐसे चमक दमका जैसे चौधरी का चांद। क्या मतलब? चेहरे का जिक्र वहां भी है, चेहरे का जिक्र वहां भी है, तो फर्क कितना है? वहां बेटे का कुर्ता है, यहाँ बेटी की चादर है। वहां बेटे का कुर्ता है, यहां बेटी की चादर है। तो अगर कुर्ता इलाज कर सकता है तो क्या चादर नहीं इलाज कर सकती? और अगर बेटा इलाज कर सकता है तो बेटी इलाज नहीं कर सकती? एक जुमला सुनो अगर अजाए फातिमिया का लुत्फ उठाना चाहते हो, जो काम दूसरे नबियों के बेटों ने किया है वही काम फातिमा ने बेटी होकर किया है। दूसरे नबियों की नस्ल बेटों से चली है और हमारे नबी की नस्ल बेटी से चली है। भाई दूसरे नबियों के बेटे अपने बेटे हैं ना, और पैगंबर की बेटी के बेटे उनके बेटे हैं। कुरान ने यही तो कहा तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को, और लेके गए हसन और हुसैन। चलो जी मैं उधर ना चला जाऊं, एक बहुत उम्दा बात मुझे याद आ रही है। रसूल अल्लाह आ गए चादर में चले गए, जनाब इमाम हसन आए, मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कहना चाहते? कहा कुछ नहीं कहना चाहता, तो इतना तो कहना चाहता हूँ कि मेरा नाना खुशबूदार है। अब तू किसी बदबूदार नाना से वाकिफ हो तो मैं क्या करूं? मैं तो ये कह चुका हूं कि खुशबूदार है मेरा नाना, और ये खुशबू मैं ही सूंघ सकता हूं, कोई और नहीं सूंघ सकता। ये कहा यार ये तो मुल्ला लोग हैं पढ़ते ही रहते। इमाम हुसैन आ गए, उन्होंने कहा मैं भी नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। चलो जी छोड़ो, मैंने इमाम हसन से कहा खुशबू सूंघी आपने? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जब खुशबू सूंघ ही ली थी तो सूंघते सूंघते खुद ही चादर तक चले जाते, ये फातिमा से पूछने की क्या जरूरत? तो मजलिस सुन रहे, मजलिस सुन रहे, और अजाए फातिमिया में बैठे हो, ये जनाबे फातिमा से क्यों पूछ रहे? भाई सूंघते सूंघते चले जाते। अगर मैं किसी कमरे में अगरबत्ती लगा दूं और बाहर से आदमी कहे कि खुशबू आ रही है, सूंघते सूंघते ही तो खुशबू तक पहुंचेगा। मगर पहले इमाम आए उन्होंने फातिमा से पूछा चादर के अंदर, दूसरे इमाम आए फातिमा से पूछा चादर के अंदर, तीसरे इमाम आए जो ये कहते थे कि मैं तो दीवारों के पीछे के भी जानता हूं, पर्दा मेरी आंखों पे डाल दो तो मेरे यकीन में कोई कमी नहीं आएगा। अली आए और अली ने आम के कहा फातिमा इब्ने अम की खुशबू आ रही है, वो है आपके आपके बेटों के साथ चादर में आराम फरमा रहे। मैंने कहा मौला अली मैं तो हदीसे के सही पढ़ना छोड़ दूंगा। अरे आप कहते थे कि मैं तो चादर के उधर का भी, मैं तो दीवार के उधर का भी जानता हूं, आपको तो यह भी पता नहीं कि चादर के नीचे कौन है? कहा क्या तू ये समझ रहा है कि मुझे पता नहीं था कि रसूल कौन? तो मैंने कहा अगर पता था तो फातिमा से क्या पूछा? फातिमा से क्यों पूछा? कहा कयामत तक के लिए जब तारागढ़ में मजलिस पढ़े तो ये जुमला दुनिया तक पहुंचा देना कि हमें मालूम था कि कहां है, मगर हम इमाम होकर बगैर फातिमा के न...
तू आवाम होकर बगैर फातिमा के नबी तक चला जाएगा। चला जा, चला जा, कलमा पढ़ता रहेगा फिर भी मुसलमान ही रहेगा, सलमान नहीं बनेगा। बहुत तवज्जो, इसलिए कि जो मोहम्मद से होता हुआ दर फातिमा तक आ जाए वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हजरत सलमान है। चादर और चादर का अंदाज जनाब फातिमा सहरा, चादर के नीचे एक कमाल हुआ और उस कमाल में मुसलमानों का जवाल भी हुआ। अरे का मौलाना क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा देखो जी इंसाफ नहीं हुआ। कहा क्या नहीं हुआ? मैंने कहा रसूल अल्लाह के पास दो चीजें थी, कुरान ने कहा था या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कमली वाले रसूल, और उसके बाद उसी सूरे में उसी पारे में दूसरी आयत दूसरी सूरे में कहा था इब्तदा में या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर लपेटने वाले रसूल, मुसलमानों ने कमली का तस्किरा किया, चादर को कोई याद नहीं करता, मुज़म्मिल भी है मुद्दस्सिर भी। तो चादर लपेटने वाले रसूल का मतलब क्या? हमें कहीं तो लपेटी होगी, कोई दिन तो आया होगा। इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपनी मसनद में लिखते हैं कि जब पांचों के पांचों चादर में आ गए तो रसूल अल्लाह ने चारों तरफ से चादर को लपेटा। अब समझ में आया कि लपेटने वाला रसूल कहां है? इसका मतलब ये कि तासुब था जिसने कमली को शोहरत दे दी और चादर का जिक्र भी नहीं आने दिया। नहीं आने दिया तो नहीं आने दिया, आज मैं भी कहूंगा इसलिए कमली का जिक्र ज्यादा हुआ कि उसमें मोहम्मद एक है। चादर का जिक्र इसलिए नहीं हुआ कि उसमें तो कई मोहम्मद है, उसमें अली है, हसन है, हुसैन है, इसका भी तो जिक्र करो। पता नहीं कानों दर में शायरी सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, लेकिन इस मौके पर मुझे चार मिसरे जहूर जारसिमी के याद आए, और ये उस्ताद शोरा थे ना, जहूर जारसिमी 22 किताबों के मुसन्निफ हैं ये जहूर जारसिमी, लेकिन मैं इनके दो मिसरों पर कुर्बान हूं। जब जिक्र आ ही गया है तो सुन लो जी, मंजिल की आरजू है तो रहबर तलाश कर, एक एक आदमी तक, एक एक आदमी तक। मंजिल की आरजू है, दूसरा मिसरा सुनिएगा और मजलिस को मजलिस बना लीजिएगा। मंजिल की आरजू है तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। मिल जाएगा खुदा, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर, और कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर। कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें हो पांच नूर वो चादर तलाश, जिसमें हो पांच नूर चादर। खुदा की कसम चादर तकीर नहीं, ये ऐलान हक है जो चादर तकीर में हुआ। चलो जी मजलिस यही तमाम हो गई तो मैं भी इधर उधर को क्यों जाऊं, खामा खा मुझे भी इधर उधर को जाने की जरूरत नहीं। एक दो बात और है वो भी सुन लीजिए। इस वाकये के बाद हदीसे किसा के बाद रसूल अल्लाह के लिए हर रावी और हर किताब ने यह लिखा है कि 6 महीने तक रसूल अल्लाह का यह दस्तूर रहा कि रोजाना अपने घर से चल के फातिमा के घर आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, कहे नबुव्वत के अहले बैत तुम पे मेरा सलाम। 6 महीने तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने मुतवाकिफ। या रसूल अल्लाह ये करते क्या है आप? नमाज सुबह से पहले अब
अपने घर से चलते हैं, फातिमा के घर आते हैं, सलाम करते हैं, ऐ अहले बैते नबूवत तुम पे मेरा सलाम, ऐ अहले बैते नबूवत तुम पे मेरा सलाम। का तू नहीं जानता, एक दिन को भुलाएगा, दो दिन को भुलाएगा, तीन दिन को भुलाएगा, छह महीने आया हूँ, रिवायत को मुस्तरद कर दिया, सारे मुसलमानों का खबर कर दे कि मेरे घर वालों का नाम अहले बैत नहीं है, फातिमा के घर वालों का नाम। मेरे घर वालों का नाम अहले बैत नहीं है, फातिमा के घर वालों का नाम अहले बैत है। कल ये कोशिश मत करना कि ये भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, और अगर दाखिल हो भी गए तो मुर्दे कौन जिलाएगा, मुर्दे कौन जिलाएगा। ठीक है, सबको शामिल कर ले, मगर जिस दिन दुल्हन को जिंदा करने का मौका आ गया, अहले बैत सिर्फ नाम की वजह से अहले बैत नहीं बने, अपने काम की वजह से अहले बैत बने, अपने काम की वजह से अहले बैत बने। जाहिर सी बात है, इस कायनात में सारी दुनिया, सारी दुनिया मुझसे एक बात सुने और मजलिस को तमाम, अल्लाह ने कायनात को पैदा जरूर किया, मगर अहले बैत फजाइल को, अहले बैत के मनसब को और फजाइल को किसी के हवाले नहीं किया। आलमीन की औरतों में सरदार, मैं पहली औरत की बात कर रहा हूं, उम्मुल बशर बन के आई जनाबे हव्वा, याद रह जाएगी जी ये मजलिस, उम्मुल बशर बन के आई जनाबे हव्वा पहली औरत थी कायनात में, इनसे ज्यादा तो कोई अजीम नहीं होना चाहिए था। माबूद ने कहा जिन्हें मैं बाद में भेजूंगा उनके लकब, उनके फजाइल, उनके कमाल महफूज रखूंगा। सुनिएगा गौर से, जनाबे हव्वा को जन्नत में पैदा किया मगर खातून जन्नत नहीं बनाया। अगर कभी कभी तो सुन लिया, खातून जन्नत नहीं बनाया। भाई देखिए अब मैं क्या करूं, मेरी जबान भी लरज रही, लरज इसलिए रही है कि उर्दू में इतनी ताकत होती नहीं कि वो जाहिर कर सके। खातू ने जन्नत नहीं बनाया, जनाबे हव्वा को पैदा किया गया आदम की पसली से, फातिमा को पैदा किया गया नूर अजमत परवरदिगार से। जनाबे फातिमा को पैदा किया गया नूर अजमत, अगर इस जुमले पर तुम चुप हो गए तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। जुमला सुनो, जनाबे आदम को जब पैदा कर दिया तो उनसियत आदम के लिए पैदा किया गया हव्वा को। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोले, वो बोले उनसियत आदम, जनाबे आदम परेशान थे उनको उनसियत के लिए कि वो अपना जैसा कोई देखें, आंखों हाथों पैरों वाला, उसलिए पैदा किया गया किसे, जनाबे हव्वा को। अगर फातिमा की फजीलत पे तुम निसार होना चाहते हो तो इस जुमले पे निसार होना, इस जुमले पे निसार होना, खुदा की कसम मेरी ज़बान भी लरज रही है। जनाबे आदम की उंसियत के लिए हव्वा को पैदा किया गया और कफ्फे फातिमा के लिए आदम को पैदा किया। तो कोई फातिमा का कफ ना होता, जनाबे हव्वा के दो बेटे पैदा हुए। सुनना सुनना, जनाबे हव्वा के दो बेटे पैदा हुए, दोनों में झगड़ा हो गया, फातिमा के दो बेटे पैदा हुए, दोनों इमाम बन गए। तुम मजलिस सुन नहीं रहे हो, थक गए हो, तुम थक गए हो, मुझसे जुमला सुनो, उम्मत की मां होना जनाबे हव्वा को पैदा किया गया जन्नत में, खातून ने जन्नत बनाया गया जनाबे फातिमा को, दो बेटे दोनों में झगड़ा, यहां दो बेटे दोनों सरदारे जन्नत,
अल हसन वल हुसैन हुमा इमामान आदलान, ये दोनों के दोनों इमाम हुमा इमामान कामा और कादा, ये दोनों इमाम है, चाहे खड़े हो जाए चाहे बैठ जाए दोनों इमाम है, तो दोनों को इमाम बनाया। अब अगर तुम कहीं से भी निस्बत रखते हो, कहीं से भी निस्बत रखते हो, तो जितना चाहना उतना जोर लगा देना। जनाबे हव्वा और आदम से एक नस्ल चली जो आदमी कहला है। निस्बत किसकी तरफ गई? आदम की तरफ, हव्वा की तरफ नहीं। लेकिन अली और फातिमा से एक नस्ल चली सैयद। अगर दुनिया में सैयदा ना होती तो कोई सैयद ना होता। अगर दुनिया में सैयदा ना होती तो कोई सैयद नहीं होता। सैयदा फातिमा जहरा के खातिलों पे लाना, ये बात है। इसका मतलब यह कि एक निस्बत, एक निस्बत। अब सारी दुनिया को जमा कर लो, तुम्हें शौक हो तो अपने अपने सर रस्सियों से लटका लटका के ऊंचे हो जाना। मैं फातिमा का कद बताने जा रहा हूं कि कोई भी दुनिया का इंसान जब अपने आप को तोलेगा उसे फातिमा मुनफरिद नजर आएगी। मैंने कहा परवरदिगार बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूं, मई जून में रोजे रखे हैं, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तो रट लगाया रहता हूं, कलमा पढ़ता हूं जोरदार, और नमाज तो बस यूं समझ ले खटाखट और घटाघट, तस्बीह तस्बीह तो रखता ही नहीं हाथ से कभी। लेकिन एक शिकायत है तुझसे। बोले क्या? मैंने कहा एक शिकायत तुझसे ये है परवरदिगार कि इतने दिन से इबादत कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि मैं जन्नती हूं, मगर तूने कभी एक रोटी भी ना भेजी। एक टुकड़ा ही भेज देता कि 15 रमजान उल मुबारक को फला मस्जिद में अल्लाह की तरफ से इफ्तार है। कब से वो कौशल सूख रहा है वहां, एक गिलास हमारे लिए भेज दे, ना प्यासे मर रहे, एक रोटी भेज दे, क्यों नहीं भेज रहा? इस मोहल्ले में आज दस्तरखान आ गया, कल को उस मोहल्ले में आ गया, परसों को उस मोहल्ले में आ गया, क्या हम जन्नती नहीं है? या तो ये कह दे कि हम जन्नती नहीं है तो हम क्यों नमाज रोजे पढ़े खामा खा, हम तो रखने के ही ना, पर क्या जरूरत है मई जून के महीने में भूखा मरने की? लेकिन तूने कभी एक टुकड़ा ना भेजा, एक निवाला ना भेजा, बस खाली नाम ही है, वो शराबे तो हूँ वही वही रह रही है वो, यहाँ दिखला तो देता उसका कलर कैसा है। अरे का तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर जन्नती हूं तो एक मरतबा भेज दे। कहा बिल्कुल नहीं भेजूंगा। मैंने कहा ये कह दे कि क्या है नहीं? कहा है मगर नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा ये कह दे क्या पहले वालों के लिए नहीं भेजा? क्या पहले वालों के लिए नहीं भेजा? कहा इसीलिए तो नहीं भेज रहा हूं कि तू फातिमा की बराबरी ना करना। फातिमा की बराबरी मत कर बैठना। ये फातिमा ही का काम है, कभी अपने लिए मंगा लिया, कभी बच्चों के लिए मंगा लिया, और हद ये हो गई कि अपने लिए तो ठीक, जब कनीज ने कह दिया। मैंने कहा हमारा कसूर क्या है? मां तो उमदा उमदा ड्रेस है ईद के दिन, या रूमाल भी ना, तो हमारा कसूर क्या है? या तो ये कह दे कि हम जन्नती नहीं, या ये कह दे कि हम तुझे नहीं देंगे, हमसे क्या दुश्मनी? अरे जब उन्हें दे सकता है तो हमें भी दे दे। का एक बात तो इसलिए नहीं दिया कि फातिमा की बराबरी ना करना। मैंने कहा दूसरी बात, का जब तक किसी में इम्कान गुनाह है, ये मजलिस
तुझे जन्नत का खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही तू मरा मैं फरिश्तों से कहूंगा उप शुरू के ही जन्नति लती कुन तुम बेहत हुआ तू, इसे जन्नत की बशारत दे दो जिसका इससे वादा किया गया था। माबूद मरने पे दिया, अगर एक घंटा पहले दे देता इलेक्शन लड़ लेता। अब दे रहा है, जब मैं मर गया काब इमकान गुना खत्म हो गया ना। मैंने कहा ये कंफर्म है कि वो आदमी खा ही नहीं सकता जिसमें इमकान गुना हो, कब बिल्कुल नहीं खा सकता जिसमें इमकान गुना हो। मैंने कहा अगर नहीं खा सकता तो रसूल ने इसलिए खाया के मासूम थे, अली ने इसलिए खाया के मासूम थे, जनाबे फातिमा ने इसलिए खाया के मासूमा थी, हसनैन ने इसलिए खाया के मासूम थे, फिजा ने क्यों खाया। फिजा ने क्यों खाया का ऐलान कर दे, जो फिजा के घर में होता है उससे इमकान गुनाह नहीं होता, जो फातिमा के घर में हो उससे इमकान गुनाह खत्म हो जाते। मैंने कहा क्या मैं उसे मासूमत है तो का एक लफ्ज और है महफूजा, एक है मासूमा एक है महफूजा। मासूम वो है जिसे खुदा बनाए, महफूज वो है जो मेहनत करके आए। इसका मतलब ये कि फिजा के पास इमकान गुनाह खत्म हो चुके। मैंने कहा भाई देखो सुनो, ये तो बस उन्हीं का कमाल था कि उनके लिए ये दस्तरखान जन्नत से आ गए, हमारे लिए तो आने वाले हैं। मैंने कहा बीबी मैं तो जा रहा हूँ, ये तो तय है कि जन्नत जो कुछ था उन्होंने साबित कर दिया। कहा बेटे तू घबरा मत, मिलेगी तुझे भी, मगर उम्मत में और हमने यही तो फर्क है कि मंगा के खाने वाले और हैं जा के खाने वाले। क्या लोग सही अपना मंगा के खाने वाले और हैं जा के खाने वाले और हैं। इसका मतलब ये, अब मैं अगर यहाँ से मेरा मन कर रहा था कि मैं जाता जनाब फातिमा जहरा की दो चार उन बातों की तरफ जिसमें खास और खास एक फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि का शरफ पाया जाता, लेकिन चलिए अब यहीं से हम मुड़ते हैं। इस पूरी कायनात ये फातिमा ही का जुमला है, और ये मेरी तस्दीक करेंगे या जिस जिसने फिदर पढ़ा है वो मेरी तस्दीक करेगा। जब जनाब फातिमा दरबार में पहुंची तो खिलाफत पर बैठे हुए मसनत पर बैठे हुए फर्द ने एक जुमला कहा, या फातिमा अंते अस्सय्यदतो फी उम्मत अबीक والشجرت الطيبه لبنيك। ए फातिमा तू अपने बाप की उम्मत में सरदार है और अपने बेटों के लिए शजरे तैयबा है, अपने बेटों के लिए शजरे तैयबा। खुदा की कसम उन लोगों ने भी जनाबे फातिमा जहरा के फजाइल को तस्लीम किया है, तस्लीम किया है जहां इंसानियत अदावत पतों में। लेकिन मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जनाबे फातिमा की मुकद्दस जात हद फासी है जन्नत और जहन्नम के लिए। कौन जन्नती है कौन जहन्नमी ये फैसला ही जनाबे फातिमा का, फैसला ही जनाबे फातिमा पर होता। इसलिए कि अगर जनाबे फातिमा मौजूद नहीं है तो इंसान का कदम आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह थी कि अल्लाह ने इस कायनात में जिनको रुतबे दिए हैं उन्होंने इम्तहान भी बड़े बड़े दिए। खुदा की कसम जनाब फातिमा का इतना बड़ा इम्तहान इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। आज जब तुम ताबूत उठाना तो एक बात को याद रखना कि जनाब फातिमा ने अपनी कनीज से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसे ही तख्ते पर लिटा के ले जाए, तो जनाब फातिमा को एक ताबूत बनाकर दिखलाया गया। फातिमा ने कहा ये बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी हजरत अली से कहा कफ़नी बिल्लैन व दफ़नी बिल्लैन, ए अली मुझे रात में दफन कर, मेरा जनाजा रात में।
ये ताबूत उठाने वालों, ये ताबूत उठाने वालों याद रखना कि जनाबे फातिमा जहरा के, जनाबे फातिमा जहरा की वसीयत में ये बात शामिल है कि ऐ अली अगर मेरे ताबूत में मजमा कम दिखाई दे, तुम्हें ऐसा लगे कि लोग कम आए हैं, तो मेरी जैनब को ताबूत के नीचे ले कर रसूल अल्लाह के बाद पर कोई नहीं था जो जनाबे सैयदा के घर आता। एक दिन जनाबे सैयदा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि या अली मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। फातिमा मैं सलाम करता हूं जवाब। अजीजों हम मौलवियों की दुनिया में मसाइब का ये सबसे बड़ा जुमला था जो मैंने आपके हवाले किया। अब मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूँ। रिवायत ये बताती है कि जनाबे फातिमा अंदर गई, दो रकत नमाज पढ़ी, हाथों को उठाया और हाथों को उठा के कहा अज्जी वफाती, ए परवरदिगार मेरी वफात को कबूल कर। परवरदिगारा मेरी वफात को करीब। खुदा की कसम कितना कितना दुख जनाबे फातिमा को पहुंचा, कितनी तकलीफें जनाबे फातिमा को पहुंची। रिवायत ये बताती है कि जनाबे फिजा को करीब बुलाते और फिजा को करीब बुलाते कहा कि फिजा मैं पानी रखती हूं, आटा गूंदूंगी, रोटी पकाऊंगी, हसनैन के कपड़े धुला। कभी भी एक दिन में इतने काम। हसनैन को कभी बुला बेटा मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊं। हसनैन ने कहा अम्मा आखिर क्या बात बेटा, मैंने रात नाना को ख्वाब में देखा, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था, तुम्हारे नाना को ख्वाब में देखा। मुझसे बाबा फरमा रहे थे फातिमा तू बहुत जल्द मुझसे मिल। बाबा बेटी जनाबे जैनब को बुला। और मैं कहता हूं कि कभी कभी मैं मजलिस तमाम कर देता हूं इस जुमले जनाबे जैनब को बुला। और जनाबे जैनब को बुला के कहा कि मेरी लाडली घर तुझे भी संभालना, मेरी जिंदगी में मुझसे पूछ ले कि कोई काम ऐसा हो जो तेरी समझ में ना आता। काम मां सबको समझ में आता है, घर कैसे संभाला जाएगा, गरीबों से कैसे बात की जाएगी, हदीसें कैसे पढ़ी जाएंगी, बुजुर्गों से कैसे कलाम किया जाएगा, सब कुछ समझ में आता है। का जैनब याद कर कोई काम ऐसा भी है जो तुझे पता हो कि तेरी समझ में ना आ रहा हो। काम ना सब कुछ समझ में आता है लेकिन एक बात कभी समझ में नहीं आई। का वो क्या है? का ये जो आप रातों को जगा जगा कर हुसैन को पानी पिलाती है, ये जो आप रातों को जगा जगा कर हुसैन को पानी पिलाती है, ये कभी समझ में नहीं आया। अम्मा कहा कि बेटा जब से मैंने सुना है कि मेरा हुसैन प्यासा जमा किया जाएगा, मैं रात को जगा जगा कर पूछती हूँ ए मेरे लाल कहीं तुझे प्यास तो नहीं लगी है। ए रोने वालों तुम उस पे रो रहे हो जिस पे हुसैन रोए हैं। जनाबे इमाम शशु फरमाते कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। अपने बच्चों को नहला धोला के तैयार करती है और तैयार करके कहती है कि बेटा तुम नाना की कब्र पर चले जाओ। इधर जनाबे हसन और जनाबे हुसैन नाना की कब्र के लिए निकले, इधर जनाबे फातिमा जहरा ने कनीज को करीब बुलाया और कनीज को करीब बुला के कहा देख मेरा वक्त करीब आ गया, मैं हुजरे में जा रही हूँ, मैं हुजरे में जा रही हूँ। जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना मैं इस दुनिया में हूँ, जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए
कनीज कहती है कि मैं बार बार हुजरे के दरवाजे पर जाती थी, तस्बीह की आवाज आती थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं समझ जाती थी कि रसूल की बेटी मौजूद है, लेकिन एक मर्तबा गई तो तस्बीह की आवाज नहीं आई। मैंने जो दरवाजा खोला, कश्ती नजात उलट चुकी थी, तस्बीह नीचे गिरी हुई थी, मैंने फातिमा के कदमों पे सर रख दिया, ए बीबी जो तकलीफ है तुमने उठाई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर। बस अजीजों कल भी मैं सुनिए, आपके ताबूत हवाले होना है और मैं मसाई पहुंच चुका जनाब अस्मा बिनत कुमैस मिर्ज़ा को एक गोशे में ले गई और गोशे में ले जाके कहती है कि फिज़ा ये फातिमा की पुष्ट है, निशान कैसे? फिज़ा ये फातिमा का एक हाथ चलता क्यों नहीं, एक हाथ चलता क्यों नहीं था फातिमा? फिज़ा मुझे बता क्या क्या हुआ है इसमें। जनाब फिज़ा ने कहा आसमां क्या सुन सकती हो? अगर सुनना चाहती हो तो सुनो, बाहर से आवाज आई अली को बाहर निकालो। मैंने बीबी को रोका, बीबी तुम न जाओ। मैंने देखा कि बीबी दरवाजे से पुश्त लगा के खड़ी हो गई और कहती है कि किसमें हिम्मत है कि फातिमा के होते हुए अली को गिरफ्तार करे। खबरदार उस घर में ना आना जिसमें इज्जत से रसूल आते थे। बाहर से आवाज आई, फातिमा अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम घर का आग लगा देंगे। मैंने कहा जनाबे फातिमा ने कहा क्या उस घर को आग लगाओगे जिसमें हसनैन जैसे फूल रहते हैं? कभी भी मैंने इतनी देर में यह देखा कि दरवाजा चलने लगा, फातिमा दरवाजे से लगी खड़ी थी। बाहर से आवाज आई, फातिमा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा